एवरीवन, दिस इज बोनस। और आज का जो रेसिपी है वो है क्रिस्पी क्रंची केएफसी चिकन, ठीक है, लेकिन इंडियन फ्लेवर्ड, राइट। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। यहां पे रखा हुआ मैंने मिल्क, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क, ठीक है। यहां मेरे पास लेमन जूस, ये नॉर्मली मैंने लेमन को स्क्वीज किया हुआ है, ठीक है, उसका जूस निकाल कर रखा हुआ है। हियर वी गो। यहां पे वन स्पून, सेकेंड स्पून, ठीक है, मिक्स। 5 to 10 minutes इसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, ठीक है, फिर करते हैं आगे का प्रोसेस। इस रेसिपी में मैं बहुत सारे टिप्स ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि आप एक प्रो शेफ की तरह समझ सकें और एक परफेक्ट क्रिस्पी मींस केएफसी स्टाइल, वो भी होममेड मींस घर में बना सके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टिप्स। सो मैंने इसको रखा था 10 minutes के लिए, ठीक है। यू कैन सी नाउ द मिल्क इज नाउ कर्डल्ड, ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा बटर मिल्क। यहाँ पे रखा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो पहला टिप ये है कि आप जब भी कोई भी मैरिनेशन कर रहे होंगे तो अदरक और लहसुन का अच्छे से पेस्ट बनाइएगा, तो उससे क्या होता है कि आपका मैक्सिमम लिक्विड उससे निकलेगा और मैरिनेशन में जिस चीज के लिए मैरिनेट कर रहे हो उसको वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। इटालियन सीजनिंग, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये जितना भी स्पाइसेस मैं ऐड कर रहा हूँ ये अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, जो भी ज्यादा ऊपर नीचे चाहिए आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि एक चम्मच दो चम्मच, क्लियर। रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन। अब यहां पे एग्स, नाउ विल विस्क इट, ठीक है, जस्ट मिक्स। सो यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेशन जो है वो हो गया रेडी, ठीक है। अब यहाँ पे जो चिकन पीसेस रखा हुआ इसको हम यहाँ पे डिप करेंगे, ठीक है। अब इसको कम से कम रखेंगे हम 1 दिन या फिर 4 घंटा, आप मिनिमम 4 घंटा रखिएगा, ठीक है, जितना टाइम तक ये रहेगा उतना अच्छा ये बनेगा, ठीक है, जैसे कि जो चिकन जो है वो मैरिनेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो लिक्विड है ये लिक्विड ही मेन इंपॉर्टेंट है चिकन को फ्लेवर देने के लिए। ये हो गया अच्छे से मैरिनेट, ठीक है। सो ये डन, अब इसको रखेंगे हम कम से कम 4 घंटा, मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम पूरा 1 दिन। सो इसको मैं रखा था 4 आवर्स, ठीक है, यू सी चिल्ड है ना। इसको अब हम नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर लेके आएंगे, सो 20 to 25 minutes हम नॉर्मल रखेंगे इसे बाहर, जैसे कि जो टेम्परेचर है चिकन का वो रूम टेम्परेचर में चेंज हो जाए, राइट। सो विल वेट फॉर 25 मिनट्स। हम चिकन को यहाँ पे इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर में हम उसको टाइम दे रहे हैं क्योंकि जब चिकन को हम डीप फ्राई करेंगे तो अंदर का भी कुक हो सके, क्योंकि यदि बाहर में उसका ठंडा रहेगा तो ऑयल में जाएगा, एक तो ऑयल का टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है जिस बिकॉज ऑफ की कोल्ड और हॉट आपका कुक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अंदर काफी ठंडा होगा, क्योंकि बाहर से वो धीरे धीरे ठंडा वो गर्म होते होते आपका बाहर कोटिंग ऑलरेडी कुक हो चुका होगा और काफी डार्क ब्राउन हो जाएगा और अंदर का रॉ हो जाएगा, ठीक है। सो ये चिकन फाइनली रूम टेम्परेचर में आ चुका है, राइट, यू कैन सी है ना, थोड़ा सा हल्का गाढ़ा हो चुका है ये, राइट। सो अब रेडी करेंगे चिकन का कोटिंग। सो यहाँ पे लिया मैंने मैदा, आपने यदि 1.5 कप मैदा लिया हुआ है मीन्स 1.5:1, ठीक है, 1.5 आपका मतलब 1.5 कप आपका मैदा रहेगा और 1 कप आपका कॉर्न स्टार्च रहेगा, कॉर्न फ्लावर नहीं, कॉर्न स्टार्च, ठीक है। सो ये कॉर्न स्टार्च, यहाँ पे रखा मैंने चिकन टिक्का मसाला, ठीक है, आप यदि चाहते हैं कबाब मसाला, टिक्का मसाला, जो भी चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। Here we go. Next, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा फेनल मींस सौंफ, थोड़ा सा पेपर, सॉल्ट, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे जो फ्लावर से, इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से मिक्स, ठीक है। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर, ठीक है, यहाँ पे गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसका मेन जो फ्लेवर है, ठीक है, उसमें से आने वाला है, ठीक है जी, ठीक है।
तो ये है हमारा मिक्स रेडी। अब करेंगे फ्राइंग प्रोसेस। थर्ड टिप ये है कि आप जब भी ऑयल यूज़ करें तो फ्रेश ऑयल यूज़ करें, क्योंकि आप यदि यूज़ किया हुआ तेल को आप यूज़ करेंगे तो आपका जो चिकन का कलर है वो गोल्डन कलर नहीं आएगा, जो क्रस्ट है चिकन का वो गोल्डन कलर नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स फ्रेश ऑयल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने चिकन का जो सॉस था, मीन्स जो मैरिनेशन था, उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल दिया है, ठीक। डिप करने टाइम में काम आएगा ये, मीन्स इजी होगा, राइट। यहाँ पे फ्लावर का मिक्सचर रेडी है, मीन्स कोटिंग रेडी है। यहाँ हमारा चिकन, यहाँ पे मैंने तेल गरम लगा दिया है। ध्यान रखिएगा तेल का जो आँच है, मीन्स जो गरम है, वो आपका 175, मीन्स मीडियम आँच में तेल गरम कीजिएगा। सो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्रोसेस, यहाँ लेंगे पीस चिकन, इसको फ्लावर में डंप करेंगे, ठीक है, जस्ट कोट, हाँ अच्छे से कोट करेंगे इसे, अच्छा कोट हो गया, राइट। अब इसको अगेन जो हमारा मैरिनेशन बैटर था उस पर डालेंगे, ठीक है, मैरिनेट बैटर, इसको अगेन हम डालेंगे फ्लावर के अंदर में, इसको अच्छे से कोट कीजिएगा, ठीक, हल्का सा डस्ट, देख रहे हैं ये है प्रॉपर, ठीक है। अभी जाएगा डायरेक्टली फॉर फ्राई, सेम प्रोसेस, जाएगा फ्लावर में, ठीक है, करेंगे अच्छे से कोट, ठीक है। इसके बाद जाएगा अंडे वाला मिक्सचर में, यहाँ से निकलेगा, इसके बाद डिप इन द फ्लावर, मीन्स डबल कोट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम डबल कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फ्लावर में, अगेन अंडे में, मीन्स मैरिनेशन वाले में, उसके बाद फिर से इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स, इसको हम अच्छे से एक्सेस फ्लावर को झाड़ देंगे, उसमें फिर तेल में डाल देंगे। फोर्थ टिप ये रहेगा आपका कि जब आप चिकन को तलते हैं, मीन्स उसको डीप फ्राई करेंगे, तो ज़्यादा क्राउड मत कीजिएगा, 3 से या 4 पीस यूज़ कीजिएगा, ऐसा तेल यूज कीजिएगा जैसे कि वो अच्छे से पूरा डिप होके उसको हम फ्राई कर सके एक बार में, ठीक। क्यों क्यों करना चाहिए ऐसा, ये मैं बताता हूँ आपको कि आप यदि क्राउड कर देंगे तो क्या होगा कि हर एक चिकन का टेम्परेचर ऑयल को इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर डाउन कर देगा, और जो तेल ठंडा हो जाएगा तो वो क्रिस्पीनेस देगा नहीं चिकन को। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एक परफेक्ट क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए, ठीक है। ये आपको कोई बुक में नहीं मिलने वाला, राइट, इसीलिए मैंने चैनल बनाया जैसे कि आपको एक एक चीज डिटेल में हर एक रेसिपी का परफेक्ट बता सकूं, राइट। लेट्स ईट दिस क्रिस्पी चिकन। सेम टू सेम जो प्रोसेस मैंने दिखाया आपको, उसी तरह आपको डीप फ्राई करना, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस में आपको कंटिन्यू करना, ठीक है। Wow, delicious. Can see na? How crispy chicken. So ye wala ho gaya. Just check it out. Nice, crispy. Didn't you think so? Wow, looking so good. Isi way mein aapko pura karna hai, theek hai? Looking so good, right? Perfect fried chicken. Just like KFC. This is done. Look at this chicken. Looking so good. So ये रहा हमारा आज का crispy chicken recipe, ठीक है, KFC style, वो भी homemade, ठीक है। So अब यहाँ पे हम थोड़ा सा add करेंगे chili flakes, ठीक है। Looking so good, right? आप भी try कीजिएगा ये recipe, ठीक है। और हाँ, बताइएगा जरूर कैसे लगा, क्योंकि ये जो chicken recipe है, मुझे पता है आप कुछ भी हो जाए आप इस चीज को रेसिपी ट्राई जरूर करोगे, बिकॉज एवरीबडी लव केएफसी दिस क्रिस्पी एंड क्रंची चिकन, राइट। यू कैन सी द फ्लेक्स, वाओ, मैं तो खा रहा हूँ। अब आपकी बारी है कि आप ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड एंजॉय दिस क्रिस्पी चिकन। टिल देन, हैव दिस, बाय बाय।